नमस्कार मेरे किसान भाइयों, आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। मेरे किसान भाइयों, ये आप ही का चैनल है और मैं भी एक किसान भाई हूँ। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल को 1,00,000 सब्सक्राइब करने का सहयोग करें आप। और दूसरी बात, मैं ये कहूँगा कि आज हम चर्चा करने वाले हैं खेती बाड़ी की, और खेती बाड़ी के अंदर विषय रहेगा सल्फर। सल्फर अपनी फसलों के अंदर, अपने खेतों के अंदर कितनी उपयोगिता है सल्फर का, ये मैं आज मैं बताने वाला हूँ। सल्फर के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ आपको, क्योंकि कई किसान भाई मेरे से कमेंट्स के अंदर वह फ़ोन करके ये बताते हैं कि विकास जी, आप सल्फर के बारे में हमें कुछ बताइए कि सल्फर हम अपनी फसलों में किस प्रकार से दें और किस तरीके से दें, किस अनुपात में दें और कौन कौन सी फसलों में दें। तो मैं आज सल्फर के बारे में आपके लिए ये वीडियो में लेकर आया हूँ। मेरे किसान भाइयों, मैं जो आपको अपने खेत व फसल में सल्फर देने का तरीका बता रहा हूँ, उस अनुपात से आपको अपने खेतों में सल्फर का उपयोग करना है। परंतु जो मैं सल्फर का अनुपात व केजी बताऊंगा, उसको आप दो विभाजन भागों में बांट कर देना है सल्फर को, वो भी 20 से 25 दिन के अंतराल आपको अपनी फसल में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं मेरे किसान भाइयों, ये प्रति एकड़ का मैं डोज बताऊंगा सल्फर का, कि एक एकड़ के अंदर कितनी आपको सल्फर देनी है, कौन सी फसलों के अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं कपास, टमाटर, अरहर और दालों की फसलों में व अन्य सब्जियों की फसलों में 10 केजी सल्फर का उपयोग में ले सकते हो आप। और इस सल्फर का 1/2 भाग बांटकर आप सल्फर का अनुपात कर अपने खेतों में दे 20 से 25 दिन के अंतराल। इससे आगे बढ़ते हैं, गेहूं, बाजरा, मक्का, धान आदि में 15 केजी सल्फर दे आप, इसको भी 2:1 कर आपको देना है 20 से 25 दिन के अंतराल। लहसुन फसल, मूंगफली, प्याज, सरसों, अरंडी आदि में 15 केजी सल्फर का उपयोग करना है आपको। इस 15 केजी को भी आप 2 भागों में बांटकर 20 से 25 दिन के अंतराल में आपको इस फसल के अंदर देना है। गन्ना और अन्य फसलों में 15 से 20 केजी व आवश्यकता अनुसार सल्फर का उपयोग में ले आप। इससे हम आगे चलेंगे सल्फर का उपयोग। ये तो जो मैंने आपको बता दी, इस तरह से सल्फर आपको देनी है, कितने केजी देनी है, ये मैंने आपको बता दिया सल्फर का अनुपात। अब हम सल्फर का उपयोग जानेंगे, सल्फर अपने फसलों में क्या फ़ायदा करती है। तो मेरे किसान भाइयों, सबसे पहला फायदा है, प्रोटीन के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है सल्फर का। पत्तियों में पर्णहरित के निर्माण में सहायक है। पौधों में एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है सल्फर। सरसों व तिलहन फसलों में तेल की मात्रा का प्रतिशत बढ़ाता है। तंबाकू, सब्जियों व चारों वाली फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाता है। आलू फसल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। मेरे किसान भाइयों, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र पर अपने जमीन की मिट्टी की जाँच कराए। अगर उस मृदा जाँच में 10 PPM से कम गंधक सल्फर है, उसे सल्फर की कमी वाली मृदा कहते हैं। अतः अधिक उत्पादन के लिए मृदा परीक्षण के बाद कृषि विशेषज्ञ की राय व उनके अनुसार खाद का उपयोग में ले आप, सल्फर का उपयोग में ले। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मृदा पोषण में चौथा आवश्यक तत्व है सल्फर, इसका उपयोग आप करें। कई किसान भाई क्या करते हैं कि अपने खेतों के अंदर डीएपी, पोटास, यूरिया इन खादों का अधिक उपयोग में लेते हैं, परंतु वो सल्फर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो मृदा जांच में आपकी रिपोर्ट के अंदर ये आ जाएगी सल्फर की मात्रा कितनी कमी है, तो उस मात्रा को आप सल्फर की उपयोग में लेकर उस मात्रा को कम बराबर किया करा जा सकता है आप, और उस मात्रा को बढ़ाकर आप अधिक उपज प्राप्त कर सकते हो। तो सल्फर पर आपको बहुत ध्यान देना है मेरे किसान भाइयों, ये अति आवश्यक है आपको। तो मेरे किसान भाइयों,
सल्फर जो आप दोगे अपने खेतों के अंदर, तो खेत के अंदर नई क्रांति आपको देखने को मिलेगी। और सल्फर बहुत ही काम का ये सल्फर है। आप अपने खेतों के अंदर जो मैंने डोज बताई है उसका 1/2 अनुपात करके 20 से 25 दिन के अंतराल सल्फर का उपयोग में ले, और ये आपका सल्फर, ये जो सल्फर है ये किसान भाइयों आपको बहुत ही अच्छा फायदा पहुंचाने वाली है। तो धन्यवाद मेरे किसान भाइयों, अगला वीडियो फिर मैं लेकर आऊँगा। आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, भारत के अंदर सभी किसानों के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप करें, और जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें, और बगल में जो बेल घंटी है इसको भी आप जरूर दबाएं, जिससे मेरे नए नए कृषि के अनुसंधान व कृषि के कार्य आप तक, इन वीडियो कृषि के कार्यों का वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।